हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। आज बच्चों हम आपके लिए फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ मैन, जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस पर कई बार देखा गया बच्चों, लगभग हर साल एकाध क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इस साल भी आने की पूरी संभावना है। तो पहले तो वो सारी हम लोग बातें पढ़ेंगे जो तुम्हारी एनसीईआरटी में है, और उसके अलावा एक दो पॉइंट ऐसे और भी जो एम्स वगैरह में पूछे जा चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखो, इवोल्यूशन ऑफ मैन बाय एनसीईआरटी, इसमें मैंने चार कॉलम बनाए हैं। इपोक्स, कौन कौन से इपोक्स है बच्चों, टाइम या एज ऑफ इपोक्स, इपोक्स जो है जैसे कि एज, युग, महायुग ऐसे थे बच्चों, उसी के पार्ट है, उसी के स्टेप्स हैं या उसी का पार्ट है। तो इपोक्स कौन कौन से हैं, एज ऑफ इपोक्स क्या है, कि किस समय काल में ये थे और वो समय काल कौन सा था, उसे कहा गया इपोक्स, उसका समय कितना था, एज कितनी थी वो, और जीनोलॉजिकल ट्री यानी किस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ मैन हुआ है, ये सारी बातें तुम्हारी एनसीईआरटी में है बच्चों, इसलिए बहुत ध्यान से याद रखना। इपोक्स का जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में ऐसे डायरेक्ट नहीं किया गया है जहां पर ह्यूमन इवोल्यूशन का जिक्र किया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें तुम्हारी एनसीईआरटी में है, इसलिए बच्चों उसको मैंने पूरे सीक्वेंस में लिख दिया जिससे तुमसे कोई गलती ना हो। तो पहले यहां पर देखो, इपोक्स कौन कौन सा है, सबसे पहले मायोसीन या आप इसे मियोसीन भी कह सकते हो, इसकी एज कितनी है, 15 MYA, MYA का फुल फॉर्म बच्चों मिलियन इयर्स एगो, तो 15 मिलियन इयर्स एगो, और 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, तो इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 15, इतने इयर्स के आसपास आ जाएगा। उस समय कौन सा एनिमल था बच्चों, ड्रायोपिथेकस, इसे प्रोकंसुल भी कहा जाता है, प्रोकंसुल, एंड दैट इज मोर एप लाइक, ज्यादा ये एप के नजदीक था। एप क्या होते हैं बच्चों, एप को सिंपल भाषा में समझ लो कि ये ऐसे टेल लेस प्राइमेट्स हैं। तो एप को बहुत सिंपल भाषा में तो समझो, टेल लेस जो मैमल्स, खासकर प्राइमेट मैमल्स का मतलब जिनकी आंखें फ्रंट में हो, उनका जो शोल्डर हो या अपर लिम हो बच्चों, वो बहुत सारे काम करने के लिए फ्री हो, ऐसे एनिमल्स को एप कहा जाता है। तो माना जाता है कि इसी ड्रायोपिथेकस या प्रोकंसुल, जो कि मोर एप लाइक था, इसी से धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और मॉडर्न मैन होमो सेपियंस सेपियंस की ओरिजिन हुई होगी। ये क्वेश्चन बच्चों नेट पे पूछा गया है कि मैन की डायरेक्ट एंसेस्ट्री में सबसे पहले मैन की शुरुआत कहां से हुई, तो आंसर क्या होगा बच्चों, ड्रायोपिथेकस। तो एक बार फिर से, मियोसीन इपोक कितना समय, 15 मिलियन ईयर्स एगो, कौन सा एनिमल था पृथ्वी पर, ड्रायोपिथेकस, दैट का प्रोकंसुल, ये मोर एप लाइक था, इसी से डेवलपमेंट आगे हुआ, इवोल्यूशन हुआ, वो हुआ रामापिथेकस, ये लगभग एक ही साथ समय पर या लगभग एक एक समय पर थे, या सेम समय पे कह सकते हो, एंड दैट इज मोर मैन लाइक, इसका मतलब ये ज्यादा एक के नजदीक था और रामापिथेकस ज्यादा मैन के नजदीक था। इसके बाद फिर डेवलपमेंट हुआ बच्चों, इवोल्यूशन लगातार होता रहा। फिर आया प्लियोसीन इपोक, लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो, और यहां पर था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो सीक्वेंस ही बच्चों याद रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आया पेलिस्टोसीन इपोक, ये भी लगभग 2 मिलियन ईयर्स के आसपास था, यहां पर था होमो हैबिलिस, इसे हैंडीमैन भी कहा जाता है, और इसकी क्रैनियल कैपेसिटी 650 to 800 cc, बच्चों ये सारे वो डाटा है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पेलिस्टोसीन में ही बच्चों 2 मिलियन ईयर्स एगो के आसपास होमो हैबिलिस आया, इसे हैंडीमैन, यहीं पर सबसे पहली बार शब्द होमो का इस्तेमाल किया गया है, जो कि मॉडर्न मैन में भी है। तो मान लो पूछा जाए कि होमो टर्म सबसे पहले किस मैन के लिए इस्तेमाल किया गया है, या किस प्रीहिस्टोरिक मैन के लिए इस्तेमाल किया गया, तो आंसर होगा बच्चों होमो हैबिलिस। इसके बाद पेलिस्टोसीन में लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स के वो आए होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में दो मैन थे बच्चों, जावा एंड पेकिंग मैन, जिसका जिक्र तुम्हारे एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं किया गया, लेकिन थोड़ा सा याद रखना, होमो इरेक्टस इसमें दो मैन थे, जावा पेकिंग, जैसे होमो इरेक्टस इरेक्टस, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस, और इसकी क्रैनियल कैपेसिटी काफी ज्यादा थी, 900 सीसी के आसपास। इसके बाद आए बच्चों निंडरथल मैन, इसे दूसरा नाम दिया गया होमो सेपियंस निंडरथलेनेसिस, फिर समझ लो निंडरथल मैन, इसका सेंट्रल नेम है होमो सेपियंस निंडरथलेनेसिस, और इसकी क्रैनियल कैपेसिटी काफी ज्यादा है, मॉडर्न मैन के लगभग आसपास 1400 सीसी के आसपास। निंडरथल मैन बच्चों पहला मैन था जहां पर मॉडर्न मैन के होमो सेपियंस टर्म का इस्तेमाल किया गया है, आप देख सकते हो। तो अगर आपसे फिर कभी पूछा जाए कि सबसे पहले होमो शब्द का इस्तेमाल कहां पर किया गया था, तो आंसर होगा होमो हैबिलिस, जिसे हैंडीमैन भी कहा गया है,
लेकिन मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन दिया जाए कि सबसे पहली बार होमो सैपियंस शब्द का इस्तेमाल कहां पर किया गया, तो आंसर होगा बच्चों निंडरथल मैन। और इसका निंडरथल नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये निंडरथल रवाइन जर्मनी में एक घाटी है बच्चों, दैट्स कॉल्ड निंडरथल रवाइन, वहां पर इसके फॉसिल को देखा गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया निंडरथल मैन। निंडरथल मैन को हम कह सकते हैं ये बिल्कुल डायरेक्ट एंसेस्ट्री में, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले होमो सैपियंस का इस्तेमाल किया गया था। और ये आज से लगभग हमारी एनसीईआरटी दिया गया कि आज से लगभग 100,000 साल से लेकर के 40,000 साल पहले तक था, यानी 1,40,000 ईयर्स बैक निंडरथल मैन पृथ्वी पर रहे होंगे। और इनकी क्रैनियल कैपेसिटी मॉडर्न मैन के लगभग बराबर ही है, 1400 सीसी। इसके बाद रिसेंट इपोक आ गया बच्चों लगभग 10,000 के आसपास, निंडरथल मैन के बाद डेवलप हुए और बना क्रोमैग्नन मैन, जिसे चिन मैन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी चिन बहुत प्रोमिनेंट थी, इसका नाम रखा गया चिन मैन। इसका दूसरा नाम है होमो सैपियंस फॉसिलिस। और इसकी क्रैनियल कैपेसिटी बच्चों 1660 या 1650 से लेकर 1660 सीसी, यानी मोर देन मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन से ज्यादा। ये बच्चों क्रोमैग्नन या होमो सैपियंस फॉसिलिस, इसका जिक्र बच्चों आपकी एनसीईआरटी में नहीं किया गया, लेकिन फिर भी बच्चों आपकी सीक्वेंस को पढ़कर जाना कि निंडरथल मैन के बाद डायरेक्टली तुम्हारी एनसीईआरटी में होमो सैपियंस सैपियंस दे दिया गया है, लेकिन बीच में एक और नाम था बच्चों क्रोमैग्नन मैन, जिसे होमो सैपियंस फॉसिलिस कहा जाता है, इसे चिन मैन भी कहा जाता है क्योंकि चिन बहुत प्रोमिनेंट थी और इसकी क्रैनियल कैपेसिटी मॉडर्न मैन से ज्यादा थी। ये क्वेश्चन लीड में कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मैन था जिसकी क्रैनियल कैपेसिटी मॉडर्न मैन से ज्यादा थी, तो आंसर होगा बच्चों क्रोमैग्नन मैन। ठीक है, क्रोमैग्नन मैन के बाद आया बच्चों होमो सैपियंस सैपियंस, जिसे मॉडर्न या रिसेंट मैन कहा जाता है, और इसकी क्रैनियल कैपेसिटी 1450 से लेकर 1500 सीसी के आसपास है। तो आप देखो निंडरथल मैन और होमो सैपियंस की क्रैनियल कैपेसिटी यानी ब्रेन का जो वॉल्यूम है वो लगभग बराबर है, लेकिन क्रोमैग्नन मैन का वॉल्यूम ज्यादा है। तो एक बार बच्चों फिर से पूरा सीक्वेंस याद रखो, सबसे पहले आए ट्रायोपिथेकस या प्रोकंसुल, उसके बाद आए बच्चों रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर जावा मैन या आप कह सकते हो होमो इरेक्टस, इसमें जावा एंड पेकिंग मैन, उसके बाद आए निंडरथल मैन, फिर आए क्रोमैग्नन मैन और फिर आए होमो सैपियंस सैपियंस मॉडर्न मैन। तो एक बार फिर से बच्चों फटाफट सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस भी बच्चों पूछा गया, यानी मॉडर्न मैन की शुरुआत तुम्हारी एनसीईआरटी में कहां से है बच्चों, दैट्स ट्रायोपिथेकस या प्रोकंसुल, उसके बाद रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर निंडरथल मैन, फिर क्रोमैग्नन मैन और उसके बाद मॉडर्न मैन। ध्यान रखना क्रोमैग्नन मैन का जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं किया गया, लेकिन आपको याद रखना। तो ये बच्चों सीक्वेंस और किस समय थे, ड्रायोपिथेकस 15 मिलियन ईयर्स ago, इसके बाद रामापिथेकस भी लगभग उसी के आसपास थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 मिलियन ईयर्स ago, होमो हैबिलिस भी लगभग उसी के आसपास थे, होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर्स ago, निंडरथल मैन आज से लगभग 100,000 साल पहले से लेकर के आज से लगभग 40,000 साल पहले तक थे, उसके बाद क्रोमैग्नन एंड होमो सैपियंस दैट्स अ मॉडर्न मैन, इनके बारे में तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा गया है कि लगभग ये ध्यान से देखो ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर्स एगो मॉडर्न मैन होमो सैपियंस एरोज दे स्टार्टेड या दे स्टार्ट टू कल्टीवेट प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स, यानी मॉडर्न मैन ही ऐसा पहला एनिमल था बच्चों जिसने प्लांट यानी खेती करना शुरू किया, डोमेस्टिकेट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, खासकर उन एनिमल्स को जिनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। यही वो मैन था जिसने सबसे पहली बार सेटलर लाइफ स्टार्ट यानी सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया। इसके पहले जितने भी मैन थे, चाहे वो क्रोमैग्नन, चाहे निंडरथल मैन या उसके पहले होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, जो भी थे, वो सब एक तरीके से प्रीहिस्टोरिक थे, वो सब जंगलों में रहा करते थे, छुप करके गुफाओं में रहा करते थे, लेकिन सबसे पहली बार सेटल्ड लाइफ जीने वाला जो एनिमल है इवोल्यूशन ऑफ मैन में, दैट इज अ मॉडर्न मैन होमो सैपियंस सैपियंस। इसके बारे में तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है कि लगभग आज से 75,000 साल से पहले से लेकर के आज से लगभग 10,000 साल पहले इनकी ओरिजिन हुई। इन्होंने ही बच्चों प्लांट्स को कल्टीवेट करना शुरू किया, डोमेस्टिकेट करना शुरू किया उन एनिमल्स को जो उनके लिए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस रखते थे बच्चों, और इन्होंने ही सेटल्ड लाइफ स्टार्ट किया। तो ये सारी बातें आपके यहाँ पूछी जा सकती है। सबकी क्रैनियल कैपेसिटी बच्चों आपके यहाँ पूछी जा सकती है। एक बार फिर से ट्रायोपिथेकस प्रोकंसुल मोर एप लाइक, रामापिथेकस मोर मैन लाइक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस उसके बाद होमो हैबिलिस। यहां से बच्चों क्रैनियल कैपेसिटी याद रखना, होमो हैबिलिस की क्रैनियल कैपेसिटी 650 to 800 सीसी, इसे हैंडीमैन भी कहते हैं, होमो इरेक्टस इसमें जावा एंड पेकिंग मैन, इसकी क्रैनियल कैपेसिटी 900 सीसी, निंडरथल मैन की 1400 सीसी, होमो सैपियंस सैपियंस निंडरथलिस इसका दूसरा नाम है,
क्रोमैग्नन मैन या चिन मैन, इसकी क्रैनियल कैपेसिटी काफी ज्यादा, इवन मॉडर्न मैन से ज्यादा, 660 सीसी, और इसे होमो सैपियंस फॉसिलिस कहा जाता है। होमो सैपियंस सैपियंस से मॉडर्न रिसेंट मैन, इसकी क्रैनियल कैपेसिटी 1452-1500 सीसी। तो ये बच्चों याद रखना, होमो हैबिलिस 650 से 800, होमो इरेक्टस 900 सीसी, नीएंडरथल मैन 1400 सीसी, क्रोमैग्नन 1660 सीसी, और मॉडर्न मैन 1450 से लेकर के 1500 सीसी। बच्चों ये सारे डाटास भी कई बार आपके यहाँ पूछे गए हैं, क्लियर। तो अगर आपसे कभी सीक्वेंस आया तो फिर से मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, जैसे जितनी ज्यादा बार पढ़ो उतनी बार याद होता है। ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस ध्यान रखना, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस जावा मैन, फिर नीएंडरथल मैन, फिर क्रोमैग्नन मैन, उसके बाद होमो सैपियंस सैपियंस मॉडर्न मैन। कई बार तुम्हारे नीट पे क्वेश्चन पूछा गया कि मैन का सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव मैन कौन सा है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, क्रोमैग्नन मैन। अगर क्रोमैग्नन नहीं होगा तब नीएंडरथल मैन करना, वो भी ना हो तो होमो जावा मैन या होमो इरेक्टस, वो भी ना हो तो होमो हैबिलिस, क्लियर बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ नीट पे पूछा गया कि अगर कभी आपसे ये भी पूछा जाए कि अगर देखा जाए कौन कौन से एक मैन के बहुत नजदीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना बच्चों, गिब्बन, उसके बाद ओरेंगुटान, उसके बाद गोरिल्ला, उसके बाद चिंपैंजी, उसके बाद होमो सैपियंस यानी मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न मैन का सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन सा है, चिंपैंजी। इसके पहले ये सब एप्स है, क्या है बच्चों, एप्स यानी टेललेस प्राइमेट मैमल्स, और ये ज्यादा नजदीक मैन के होता है। तो होमो सैपियंस के सबसे नजदीक चिंपैंजी, यानी चिंपैंजी इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव। और कैसे पता चलता है, क्रोमोसोम नंबर और उसके बैंडिंग पैटर्न से पता लगा कि देखा गया कि चिंपैंजी इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मॉडर्न मैन। अगर चिंपैंजी ना हो बच्चों तो गोरिल्ला, गोरिल्ला भी ना हो ओरेंगुटान, वो भी ना हो तो गिब्बन। तो ये सीक्वेंस गिब्बन, ओरेंगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, होमो सैपियंस सैपियंस मॉडर्न मैन, ये सीक्वेंस भी बच्चों याद रखना, ठीक है। कुछ और बातें जिसका जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में किया गया है, इनके बारे में बच्चों ये सब मैंने लिख दिया, जिससे तुम पढ़ते समय ध्यान रहे। ड्रायोपिथेकस के बारे में क्या लिखा गया, अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स लाइक ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वेयर एग्जिस्टिंग, दे वेयर हेयरी यानी शरीर काफी बाल थे, एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। यानी रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस ये लगभग 15 मिलियन ईयर्स अगो थे, और इनके शरीर पर काफी बाल थे, हेयरी थे, और ये आज की डेट में जैसे बच्चों गोरिल्ला और चिंपैंजी चलते हैं वैसे ही चला करते थे, क्लियर। इसके बाद जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, ध्यान रखो, दे वेयर प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। ये माना जाता है कि ये ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के जो घास के मैदान थे वहां पर रहते थे, वहीं पर इनके फॉसिल्स देखे गए। एविडेंसेस शोस दैट दे वेयर हंटेड प्रे, ये शिकार तो करते थे, जो एविडेंस मिले हैं बच्चों से पता चलता है ये शिकार तो करते थे लेकिन ये मीट नहीं खाते थे। आगे लिखा है बच्चों, दे प्रे बाय स्टोन वीपल्स, पत्थर से बने हुए हथियारों से ये शिकार तो किया करते थे लेकिन बट इसेंशियली एट फ्रूट्स। ये जानवरों का शिकार या शिकारियों का शिकार तो करते थे लेकिन वो खाते नहीं थे, खाते ये बच्चों में भी फ्रूट्स थे। एक बार फिर से देख लो, ये बच्चों ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में इनके फॉसिल्स पाए गए, ये पत्थर के बने हुए हथियार से शिकार तो किया करते थे लेकिन ये मोस्टली फ्रूट ही खाया करते थे, ये मीट नहीं खाते थे, ऐसा एविडेंस से पता चलता है। और एविडेंस से कैसे पता चलता है बच्चों, टीथ, अगर टीथ बहुत ज्यादा काटने वाले डेवलप हो जाए, जैसे कैनाइंस टीथ अगर बहुत ज्यादा डेवलप हो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मीट वगैरह खाता था, लेकिन अगर कैनाइंस बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है इसका मतलब वो ज्यादा फल वल खाया करते थे। तो ये बच्चों जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था ये भले ही शिकार करता था पत्थर के बने हथियारों से लेकिन मोस्टली इसेंशियली फ्रूट ही खाता था। इसके बाद होमो हैबिलिस, ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिन, अभी मैंने कहा था सबसे पहली बार होमो सैपियंस सैपियंस के हिसाब से सबसे पहली बार होमो शब्द का इस्तेमाल बच्चों होमो हैबिलिस में किया गया है, ध्यान रखना। और ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिन प्रोबेबली डू नॉट ईट मीट, ये भी संभावना ये है कि ये भी मीट नहीं खाते थे। तो फिर से बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार कौन सा ऐसा मैन है या प्रीहिस्टोरिक मैन जो होमिनिड के सबसे नजदीक है, तो आंसर होगा होमो हैबिलिस, और यह भी संभावना है कि मीट नहीं खाते थे, दीज आर द फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड। इसके बाद होमो इरेक्टस बच्चों, दैट्स अ जावा एंड बेकिंग मैन, दो अलग अलग शहरों में के फॉसिल्स देखे गए थे। फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891, जावा और सुमात्रा नाम सुना होगा बच्चों, वहां पर इसके फॉसिल को देखा गया, और सेम समय उसी समय चाइना के पेकिंग में भी देखा गया था, इसलिए दो मैन एक साथ डेवलप किए और दोनों करेक्टर भी लगभग एक जैसे, जावा एंड पेकिंग मैन, और इनको कॉमनली होमो इरेक्टस कहा जाता है।
फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 रिवील्ड दैट, आगे देखो, रिवील्ड द अपीयरेंस ऑफ होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट। ये संभावना ये है कि ये मीट खाते थे, देखो जबकि ये दोनों मीट नहीं खाते थे, लेकिन जो जावा और पेकिंग मैन थे इनके बारे में संभावना ये है कि जो एविडेंसेस शो होते हैं कि ये मीट खाया करते थे। फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 रिवील्ड द अपीयरेंस ऑफ होमो इरेक्टस, और ये बच्चों मीट खाया करते थे, ऐसी संभावना है। ये सारे फीचर तुम्हारी एनसीईआरटी में है, ये सब तो बच्चों बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे। जो निंडरथल मैन है जिसके बारे में कहा वो लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, बरीड देयर डेड। तो इनके जो फॉसिल्स देखे गए बच्चों ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में देखे गए, इनमें कुछ कल्चरल एडवांसेस हो चुके थे, जैसे ये अपने शरीर को ढकने के लिए जो जानवरों का शिकार करते थे उसकी खाल, उसकी जो स्किन होती थी, डर्मिस से जो लेदर निकलता है कह सकते हो, उसकी स्किन को निकाल करके ये उससे अपने शरीर को ढका करते थे, यानी थोड़ा सा इनके अंदर कल्चरल एडवांसेस आना शुरू हुआ। और ये अगर इनके साथी कि किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको जमीन में गाड़कर दफना दिया करते थे, यानी इसके पहले जो मैन थे उन सब में अगर साथी कोई मर गया तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे निंडरथल मैन में बहुत सारी ऐसी कल्चरल डेवलपमेंट शुरू हुआ, या इनका ब्रेन ऐसा डेवलप होना शुरू हुआ, थोड़ी सी सेंसिटिविटी डेवलप होना शुरू हुई। तो ध्यान रखना इनके फॉसिल्स कहाँ पाए गए, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। ये जानवरों की खालों का इस्तेमाल अपने बॉडी, अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते थे, और अगर इनके साथी किसी की डेथ हो जाया करती थी बच्चों तो उसको ये दफना भी दिया करते थे, यानी दे बरीड देयर डेड। और एक पॉइंट बच्चों एम से पूछा गया जिसका जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं किया गया है कि निंडरथल मैन काफी एडवांस हो चुके थे, इन्होंने आत्मा की अमरता के सिद्धांत को भी फॉलो करना शुरू कर दिया था कि आत्मा अमर है, दैट इज द इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, आत्मा अमर है, इसके बारे में भी निंडरथल मैन को एहसास होना शुरू हो चुका था। तो एक क्वेश्चन बच्चों एम से पूछा गया था कि किस प्रीहिस्टोरिक मैन ने सबसे पहले इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल को माना था, तो आंसर होगा निंडरथल मैन। क्लियर बच्चों। इसके बाद क्रोमैग्नन मैन, क्रोमैग्नन मैन के बारे में ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बच्चों ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा इतना जरूर पढ़ के जाना बच्चों, क्योंकि क्या पता हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ध्यान से देखो, दे वेयर केव ड्वेलिंग, गुफाओं में रहते थे, हंटर्स शिकारी थे, वेयर कन्वर्सेंट विद आर्ट, ये लोग थोड़ा सा आर्ट और पेंटिंग भी जानने लगे थे, एंड स्केच्ड पिक्चर्स ऑफ देयर कंटेम्पररी एनिमल्स, उस समय जो एनिमल्स इनके साथ रहते थे उनकी दीवारों पर इन्होंने चित्र वगैरह बनाने की भी शुरुआत कर दी थी। कंटेम्पररी एनिमल्स, दे मेड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम आइवरी, हाथी के दांतों से कुछ गहने वगैरह ऑर्नामेंट बनाना शुरू कर दिया था, विद सम कल्चरल एडवांसेस, और इसका मतलब ये निंडरथल मैन से ज्यादा एडवांस हो गए थे, इसका मतलब क्रोमैग्नन मैन वॉज मोर एडवांस देन निंडरथल मैन। और इनके ये भी रहते तो गुफाओं में थे, लेकिन उस समय के जो जानवर इनके साथ रहते थे उनके चित्र वगैरह ये बनाना शुरू कर चुके थे, दीवारों बनाते थे, कई बार अपनी पेंटिंग, अपनी बॉडी को डेकोरेट करते थे, अपने को सजाते संवारते थे, ये हाथी के दांत से बने हुए गहने से बच्चों अपनी बॉडी को संवारा करते थे, तो ये सारे पॉइंट्स थे। और उस समय के जो एनिमल्स हुआ करते थे उनके चित्र वगैरह दीवारों पर बनाते थे, ये कल्चरल एडवांसेस, यानी इनको थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस सामाजिकता को लेकर चलते थे। क्लियर बच्चों। इसके बाद आया होमो सैपियंस सैपियंस, यहां पर तुम्हारे आंसर ड्यूरिंग आइस एज, ये जो बर्फ का युग चला बच्चों आज से 75,000 साल से पहले से लेकर के आज से 10,000 साल पहले तक, उसी में समय माना जाता है कि मॉडर्न मैन आया था। और मॉडर्न मैन दो स्टेजेस है, क्रोमैग्नन भी है, होमो सैपियंस सैपियंस भी है, यानी इनकी ओरिजिन आज से लगभग 75,000 साल से पहले से लेकर के आज से 10,000 साल पहले के बीच में थी। और ऐसा कैसे हुआ होगा, क्योंकि उसी समय निंडरथल और क्रोमैग्नन दोनों साथ साथ रहे होंगे, क्योंकि निंडरथल आए थे आज से 1,00,000 साल पहले से और आज से लेकर 40,000 साल पहले तक थे, और ये आज से 75,000 से लेकर आज से 10,000 साल पहले तक। तो बीच में कुछ ऐसा समय रहा होगा बच्चों जिसमें निंडरथल और क्रोमैग्नन दोनों साथ साथ रहे होंगे, और फिर शुरू हुआ होगा डार्विन का सिद्धांत, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और इसी में इंटरब्रीडिंग हुई होगी, इसी में ज्यादा एडवांस क्रोमैग्नन मैन हो गए। फिर कुछ समय तक क्रोमैग्नन और मॉडर्न मैन जैसी चीजें रही होंगी, इसमें भी इंटरब्रीडिंग हुई होगी, और फिर नया मैन आ गया, दैट्स कॉल्ड होमो सैपियंस सैपियंस। और एक साइंटिस्ट है बच्चों, मिस्टर शपिरो, ये अमेरिकन साइंटिस्ट है, इनका ये कहना है कि आने वाले समय में फ्यूचर मैन भी आएगा, और फ्यूचर मैन का नाम भी शपिरो साहब ने रख दिया होमो सैपियंस फ्यूचरिस्ट, वो आज का जो मॉडर्न मैन होमो सैपियंस सैपियंस है बच्चों उससे भी ज्यादा एडवांस होगा।
तो मान लो कोई पूछा जाए जो फ्यूचर मैन आएगा उसका नाम क्या होगा, होमो सैपियंस। फ्यूचरिस किसने दिया, शपिरो साहब ने, और वो आज से ज्यादा एडवांस होगा, उसकी क्रैनियल कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, हेड का साइज भी ज्यादा होगा, यानी वो काफी एडवांस हो सकता है। फिर समझ लो बच्चों, मॉडर्न मैन ही एक ऐसा मैन था यानी होमो सैपियंस जो आज से लगभग 70,000 साल पहले से लेकर के आज से 10,000 साल पहले तक था। इसी ने प्लांट्स को कल्टीवेट किया, इसी ने डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का शुरू किया, खेती करना शुरू किया। ये सब ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, पूछे गए भी हैं। और यही पहला एनिमल था होमो सैपियंस सैपियंस यानी मॉडर्न मैन जिसने सेटल्ड लाइफ स्टार्ट करना शुरू किया था। कुछ और बातें जो तुम्हारी एनसीईआरटी में है बच्चों, यहां द प्रीहिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 18,000 इयर्स एगो, यानी जो दीवारों पर पेंटिंग बनना शुरू हुई थी वो लगभग आज से 18,000 साल पहले शुरू हुई थी, ऐसा तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 इयर्स बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड, यानी जो मॉडर्न मैन था उसी ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया और सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया, ये भी लगभग आज से 10,000 साल पहले हुआ। फिर समझ लो, प्रीहिस्टोरिक केव आर्ट, जो पुरानी गुफाओं में जो आर्ट पाई जाती है उनको बने हुए साइंटिस्टों का अनुमान है लगभग 18,000 साल पहले की बात है, और आज से लगभग 10,000 साल पहले मैन ने प्लांट्स को कल्टीवेट करना शुरू किया, एग्रीकल्चर करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, और एनिमल्स को पालना शुरू किया और डोमेस्टिकेट करना शुरू किया उन एनिमल्स को जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं और एक तरीके से सेटल्ड लाइफ जैसे आज हम लोग जीते हैं, परिवार वगैरह लेकर के घर बना के रहना, ये सब मॉडर्न मैन ने किया आज से लगभग 10,000 साल पहले। इसके बाद क्या हुआ, द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन द इवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्सियसनेस, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन मैन के साथ सबसे बड़ी जो दो चीजें हुई साइंटिस्टों का अनुमान है वो ये है कि इवोल्यूशन दौरान मैन ने भाषाओं को सीखा, दैट्स अ लैंग्वेज स्किल्स, अलग अलग भाषाओं को बोलना लिखना समझना ये सीखा, ये बहुत बड़ा स्किल था बच्चों, यानी भाषाओं का कौशल विकास कह सकते हो, लैंग्वेज स्किल्स। एंड और दूसरा क्या था बच्चों, सेल्फ कॉन्सियसनेस, अपने अंदर झांक करके अपने को समझने की कोशिश करना, अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ा बच्चों इवोल्यूशनरी चेंज था ह्यूमन में। तो फिर समझ लो, द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन द इवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्सियसनेस, भाषाओं का ज्ञान, भाषाओं को समझना और सेल्फ कॉन्सियसनेस, अपने आप को समझना, अपनी बातों को समझना, समाज को समझना, देश को समझना, राष्ट्र को और इन्वायरमेंट बायोस्फीयर यूनिवर्स इन सबको समझना, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर बच्चों? इसके बाद रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे कल्चरल एडवांसेस बढ़े, लोगों का एक दूसरे के देश में आना जाना शुरू हुआ, तो सिविलाइजेशन खत्म होती गई। आज की डेट में क्या है बच्चों कि कोई आदमी अमेरिका जाता है, चाइना जाता है, हर जगह जाता है, वहां के लोग यहां आते हैं, यहां के लोग वहां जाते हैं, तो अब क्या है, सब एक मिक्स कल्चर हो गया। पहले क्या था, आइसोलेटेड थे भाई, कोई अमेरिका नहीं जानता था, कोई अफ्रीका नहीं जानता था, कोई चाइना नहीं जानता था, आज से हजारों लाखों साल पहले, तो वहां की अपनी एक सिविलाइजेशन रही होगी। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन होता चला गया, लोगों ने आना जाना शुरू किया, तो सिविलाइजेशन डिक्लाइन करते गए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बाकी सब हम लोग पता है कि ह्यूमन आज कितना ग्रोथ कर चुका है, यानी द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ, यानी ह्यूमन ने कितनी ग्रोथ किया। और दूसरा है डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। एक पॉइंट बच्चों में और बताना चाहूंगा जो तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पढ़कर जाना, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्रीहिस्टोरिक मैन या प्रिमिटिव मैन एक्सकैवेटेड फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे ज्यादा फॉसिल्स देखे गए, वहीं से खोदे गए हैं। और ये माना जाता है, इट इज बिलीव दैट इवोल्यूशन ऑफ मैन प्रोबेबली टुक प्लेस इन सेंट्रल अफ्रीका, यानी सबसे ज्यादा प्रीहिस्टोरिक मैन के फॉसिल्स अफ्रीका में खोदे गए, वहां से निकाले गए, उनको स्टडी किया गया। और ये माना जाता है कि सबसे पहली बार, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं, क्योंकि ये थ्योरी सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, कि सेंट्रल अफ्रीका में सबसे पहली बार ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ होगा, ऐसा आज के आधुनिक विज्ञान के साइंटिस्ट मानते हैं। एक पॉइंट बच्चों और याद रखना, ये भी क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं, वो कौन सा कारण है, व्हाई मैन सुप्रीम एनिमल, कौन से ऐसे कारण है जिससे मैन सबसे सुप्रीम एनिमल हुआ। उसका सबसे पहला कारण बच्चों, लार्ज ब्रेन विद थिंकिंग क्रिएटिविटी एंड स्ट्रेटजी कैपेसिटी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बड़ा ब्रेन जिसके अंदर थिंकिंग भी है, क्रिएटिविटी भी है और स्ट्रेटजी भी है, ऐसा ब्रेन बहुत सारे एनिमल्स थे, लेकिन उनके अंदर ये सारे पावर नहीं है, बैठ के विचार करना,
प्लानिंग करना, जैसे आप लोग नीट तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो बैठ के प्लान कर सकते हो कि हमें कब कितनी देर तक क्या क्या पढ़ना है। ये सारी चीजें, स्ट्रेटजी पावर, थिंकिंग पावर, क्रिएटिविटी पावर, ये नेचर में देखा गया सबसे पहले मैन ने डेवलप की, इससे मैन सबसे ज्यादा सुप्रीम एनिमल। इसके अलावा स्टीरियोस्कोपिक विजन, दोनों आंखों का एक ही समय एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करना, यह सब मैंने फिजियोलॉजी पढ़ाया बच्चों। इसके अलावा एबिलिटी टू लर्न एंड ट्रांसमिट एक्सपीरियंसेस, जो लोग देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको अगली पीढ़ी तक एक्सपीरियंस से भेज भी सकते हैं, पढ़ करके, समझ के, बोल के भेज सकते हैं। दैट्स द एबिलिटी टू लर्न एंड ट्रांसमिट एक्सपीरियंसेस। लेस डिपेंडेंसी ऑन स्मेल, स्मेल पर कम से कम डिपेंड करना। बाकी तुमने जानवर देखे जो चलते हैं, सूंघ सूंघ कर चलते हैं, अगर मैन भी सूंघ कर चलता तो यहां से निकलता और दूर तक नहीं पहुंच पाता। तो ये भी है बच्चों की ह्यूमन लेस डिपेंड होता गया स्मेल पर, ये भी उसके पीछे कारण। इसके अलावा ग्रेस्पिंग हैंड, उसके हाथ फ्री है कोई काम करने के लिए। अपोजिबल थंब, थंब का बहुत बड़ा रोल लगा, थंब ना होता तो इवन लिखना बहुत मुश्किल होता, लोग प्रैक्टिस करते लेकिन फिर भी थंब के होने से लिखना पढ़ना बहुत आसान होता चला गया। इरेक्ट पोस्चर, और हम लोग सीधे खड़े होते हैं, तो इस सीक्वेंस में याद रखना बच्चों कि मैन सबसे सुप्रीम एनिमल क्यों है बच्चों, उसके अंदर लार्ज ब्रेन है, थिंकिंग कैपेसिटी, क्रिएटिविटी कैपेसिटी, स्ट्रेटजी कैपेसिटी ये है, स्टीरियोस्कोपिक विजन है, एबिलिटी टू लर्न एंड ट्रांसमिट एक्सपीरियंसेस है, इसके अलावा लेस डिपेंडेंसी ऑन स्मेल है, ग्रेस्पिंग हैंड है, अपोजिबल थंब है, इरेक्ट पोस्चर है, ये सारे ऐसे कारण है बच्चों जिससे मैन एक सुप्रीम एनिमल हो जाता है। तो हमारे पास से इवोल्यूशन ऑफ मैन बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इस पर एक आध क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, कई बार सिंपल से क्वेश्चन आते हैं क्रिएटिव कैपेसिटी, लेकिन वो सारी बातें जो आ सकती है बच्चों वो मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाकी फिर किसी दिन हम लोग कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे।